साडे देश विच चाहे लोक सभा दे चुनाव होन चाहे विधानसभा दे चुनाव होन असी हमेशा वोटिंग दे समय ईवीएम मशीनां जिहड़ियां यूज़ करदे आ पर असी तुहानूं दस दईए ईवीएम मशीनां हर समय विवादां च रहिंदियां हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी इस मामले नूं क्लीयर किया कि ईवीएम मशीनां जिहड़ियां हैक ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार सूबे नूं सेहतमंद बनाउण लई हर अहम कदम चुक रही है जिस तहत पंजाब वासियां नूं मियारी सेहत सेवावां प्रदान करन लई पिंडां ते शहरां च आम आदमी क्लीनिक खोले जा रहे ने। सूबे च हुण तक 842 आम आदमी क्लीनिक लोकां नूं समर्पित कीते गए ने। इन्हां क्लीनिकां च 80 तरहां दीआं दवाईआं अते 38 तरह के टेस्टां दी सहूलत मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है ते लोक रोजाना इन्हां क्लीनिकां दा लाहा लै रहे ने। साडे कोल 70 कई बार 80-90 भी हो जांदे पेशेंट पर 70 तो आ ही जांदे डेली। ओहदे विच असीं रूटीन दे सारे पेशेंट दे जो रूटीन मेडिसिन सानूं सरकार वल्लों उपलब्ध ने ओह असीं पेशेंट नूं दिंदे हां। सरकार वल्लों फ्री सर्विस सानूं दे रही है और लोग काफ़ी सैटिस्फाइड ने कि सू फ्री सर्विस दो स्टेप से मिल रही घर के नेड़े ही सू सेवा मिल रही। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। ये पंजाब सरकार ने जिहड़े आ क्लीनिक खोले है बहुत वधिया काम किया है। जिहड़े दूसरे होस्पिटल वाले बहुत पैसे लेंदे है ठीक है जी। इत्थे सारी सुविधा है ही है ते इत्थे आओ ते अपना पैसे भी बचाओ अपना ट्रीटमेंट वधिया करवाओ। ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ CCET ਬਈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ CCET ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਕਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਪੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਕਿਆ ਤੋੜ ਨਿਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨੋਂ ਕਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਇਸਮੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਤੋੜ ਨਿਕਾਲਾ। देखिए जैसा कि मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कोई हैकिंग नहीं होती है ये बात सही है लेकिन फिर भी ये लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ इसमें हैकिंग हो सकती है। उसके पीछे जो मुझे रीज़न समझ आता है जो लोग कहते हैं हालांकि ये पॉसिबल नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को लेके कहा जाता है जी। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तो हमने मेरी टीम ने जैसे कि मैं डॉक्टर मुकेश कुमार डॉक्टर एस सी वट्टीवेल हमारे दो स्टूडेंट्स वन प्रोफेसर एंड अनदर पर्सन ऑल्सो देयर तो इन सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें या ख़त्म करें। तो उसके लिए हमने एक मैकेनिकल सिस्टम बनाया जो कि पूरा का पूरा मैकेनिकल मैकेनिज्म के ऊपर में वर्क करेगा और जब मैकेनिकल सिस्टम होगा तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होगा तो उसको हैक करना या उसमें वोटर्स में कुछ चेंज करना वोटर में काउंटिंग के अंदर में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो हमने पूरे सिस्टम को मैकेनिकली ऑपरेट किया है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है उसको हैक नहीं किया जा सकता है वो हैक प्रूफ सिस्टम है। अच्छा जो ईवीएम मशीन है वो इलेक्ट्रिकल है आपने मैकेनिकल कर लिया तो क्या वो मैकेनिकल एज ए वैसे ही वर्क करती है वो आप वाली मशीन जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो ईवीएम मशीनें हम अभी यूज़ कर रहे हैं। नहीं इलेक्ट्रिकल की जिसकी आप बात कर रहे हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं कुछ वोल्टेज कुछ करंट जाता है जिसके बेसिस पर कुछ सिग्नल्स पास किए जाते हैं। हमने अपनी मशीन में क्या रखा है कि उसको सबसे पहले तो एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रखा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पास करने के बाद में जब वो वोटर जो भी कास्ट करने आ रहा है अगर बायोमेट्रिक में वो क्लियर होता है तो फिर आगे सप्लाई जाएगा कंट्रोल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट आगे वोल्टेज देगा मैकेनिकल वोटिंग मशीन को। उस मैकेनिकल वोटिंग मशीन के अंदर में मोटर्स लगी हुई हैं स्टॉपर मोटर्स हैं गियर सिस्टम है स्टैंपिंग मैकेनिज्म है तो इन सभी मैकेनिज्म की हेल्प से जब मोटर को सिग्नल मिलता है तो जो मैकेनिकल वोटिंग मशीन है वो अपना अनलॉक होती है। अनलॉक होने के बाद में ही वोटर जाके वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट कास्ट कर सकता है अदरवाइज मशीन लॉक रहेगी और जब लॉकिंग पोजीशन में रहेगी तो वोटर वोट कास्ट नहीं कर सकता है।
अच्छा, वो जो वोटिंग मशीन है कई बार देखा गया है कि उम्मीदवार रीचेकिंग की बात करता है, डाउट क्रिएट करते हैं, तो आप वाली मशीन में भी हम वो जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं दोबारा? नहीं, डाउट किस चीज़ को लेके? भी वोटिंग की भी, हाँ यार वोटों की जो संख्या है, हम कई बार उसमें से पर्ची निकलती है उसकी गिनती की बात करते हैं, तो वो आप वाली मशीन में भी मैकेनिकल में भी वो चीज़ें संभव हैं? जी जी जी, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी सिस्टम अभी प्रेजेंट ईवीएम के अंदर में है, जैसे कि आपने प्रिंटिंग स्लिप के कहा, जो वीवीपैट के अंदर में प्रिंटिंग स्लिप आती है, तो वो फैसिलिटी भी हमने अपनी मशीन के अंदर रखी है। एक विंडो है जिस विंडो के अंदर में जब स्टैम्पिंग किया जाएगा, जब प्रिंट किया जाएगा, जब वोटर वोट कास्ट करेगा, तो वो देख सकता है 10 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, उसको डिसाइड करेंगे कितने टाइम के लिए सेट करना है गियर मैकेनिज्म में, तो उतने टाइम के लिए वो देखेगा कि हाँ हमने वोट इसको कास्ट किया और ये वोट उस पार्टी को ही गया है। कोशिश हमने ये की है कि जो फीचर्स अभी अवेलेबल हैं ईवीएम के अंदर में, जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते हैं, उन सभी फीचर्स को हमने रखा है। यूज़र के लिए कुछ नई नहीं है, यूज़र को सब कुछ वैसा ही दिखेगा, लेकिन इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल मैकेनिज्म कम्प्लीटली चेंज, देर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप नहीं है, सब कुछ मैकेनिकली ऑपरेटेड, लिंकेज सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम है, मोटर है, गियर है, स्टैम्पिंग है, इंक रिबन है, उसकी हेल्प से सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो इसकी क्या कॉस्ट वगैरह भी आपने कुछ निकाली है, कुछ ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा मैकेनिज्म है या कुछ सस्ता है, या क्या आपको क्या लगता है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अभी हमने कॉस्ट का एस्टिमेट तो नहीं किया है कि कितने में जाके ये हमारा प्रोटोटाइप बना पाएंगे, और जब बल्क में बनाएंगे तो डेफिनेटली ये कुछ इसका कॉस्ट कम रहेगा, हम तो कॉस्ट के रिगार्डिंग अभी नहीं किया। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा इस मशीन को तैयार करने में? अब अगर इस मशीन को तैयार करने की बात कहें तो जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पर बहुत सारे, और हर बार ऐसा होता है नॉट इन 19 कि मशीन को हैक किया जा सकता है या वोटर्स को चेंज किया जा सकता है, नंबर को चेंज किया जा सकता है, तब मैंने, मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि वी विल वर्क ऑन द मैकेनिकल सिस्टम। तो 2019 में हमने इस पर काम करना शुरू करा, और करते करते हमने इस पेटेंट को फाइल किया 2020 में, 10 अक्टूबर 2020 को हमने फाइल किया। उसके बाद जो नॉमिनल प्रोसेस रहता है एग्जामिनेशन का, FER जनरेट होता है, जो भी उनका प्रोसेस है, और ये अब जाके फाइनलाइज आफ्टर हियरिंग हुआ है 24 जून 2000। मैं, आपकी मशीन को पेटेंट मिल चुका है? यस यस यस, ये पेटेंट मिल चुका है अभी 24 जून 2024 को, तो पेटेंट मिल चुके हैं, और इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो भी इसका मैकेनिज्म है, वो हमारे पास रेडी है। अब इसको फिजिकल मोड में लाने की हमारी तैयारी है, हम इसको प्रोटोटाइप में चेंज करेंगे, सो वी विल स्टार्ट दैट वर्क। और उसके बाद आप इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन में जाने की सोच रहे हैं, उनको लेटर लिखने की सोच रहे हैं, उनको बताने की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया? नहीं, अभी हमने वो सब नहीं सोचा, अभी सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रोटोटाइप बनाए पहले और उसको टेस्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए, उसके बाद वी विल थिंक लेटर व्हाट द डिपार्टमेंट विल से। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू जी। तो ये थे डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जिन्होंने ईवीएम मशीना का जड़ा तोड़ है वो कड लिता, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तो मकैनिकल जड़ी मतलब की मशीन है वह तैयार कर लिया, जिन्हों पेटेंट भी मिल चुकया। मैं, एक बहुत वड्डी गल है कि मशीन तैयार हो जाए और उन्हों पेटेंट मिल जाए, एक साडे देश च बहुत वड्डी गल है। और तुसीं देखो ईवीएम मशीन हमेशा ही जदों तो मार्केट च आई हैं या जदों तो उसके इलेक्शन शुरू होए ने विवादा च रही हैं, तो शायद यह उस विवाद का कोई तोड़ हो सकता है। मैं दिनेश कोयल, कैमरामैन दीपक के नाल, दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।